हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लास के क्रैश कोर्स में। गाइज, जैसा कि पिछले अध्याय में, पिछले भाग में हम लोग दो जीनों के वंशागति व लयक प्रचालक के बारे में पढ़ लिए थे। जो हम लोगों का लयक प्रचालक था उसका को जैकब व मोनाड नामक दो वैज्ञानिक जी किए थे। तो गाइज, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले थोड़ा हीमोफीलिया के बारे में जान जाते हैं। गाइस, हीमोफीलिया वह बीमारी होती है, मानिए जैसे आप लोगों का कहीं पे दुर्घटना हो गया और कट गया, वहाँ से ब्लड बह रहा है। गाइस, जो ब्लड होता है वह लगातार बहता रहता है, आप कितना भी उपचार कर ले वह बंद नहीं होता। यह हीमोफीलिया का सबसे मेन लक्षण है, यह हीमोफीलिया का सबसे मेन लक्षण है। इसमें जो होता है, हम लोगों को कहीं पर लग जाता है, कहीं पर कट जाता है, तो जो ब्लड होता है वह लगातार बहता रहता है। और गाइस, एक स्थिति होती है कि कहीं पर हम लोगों को चोट लग गया, घाव लग गया, वह जल्दी ठीक नहीं होता। तो गाइस, इसमें हीमोफीलिया का लक्षण नहीं, अभी तो कैंसर का लक्षण है। कैंसर के लक्षण को मैंने अगले लेक्चर में दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो गाइस, जो हम लोगों का हीमोफीलिया है इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडर डिजीज। क्योंकि गाइस, जो हीमोफीलिया होता है इसमें रक्त का फ्लो लगातार होता रहता है, इसे हम लोग ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। और इसे एक डिजीज और भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज। मान लीजिए गाइस, आप लोगों को तो पता चल गया ब्लीडर डिजीज इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रक्त का लगातार फ्लो होता रहता है। लेकिन इसे रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, आइए हम लोग ये जानते हैं। रॉयल डिजीज या जो विकार है, या जो हीमोफीलिया विकार है, यह सबसे पहले रानी विक्टोरिया के फैमिली में पाया गया। रानी विक्टोरिया, जो कि गाइस ये हमारे इतिहास की महारानी है, जो रानी विक्टोरिया है, या जो रॉयल डिजीज, ब्लीडर डिजीज, हीमोफीलिया, या पहले इन्हीं के ही खानदान में पाया गया। क्योंकि गाइस, वो लोग बड़े लोग थे, रॉयल लोग थे, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ा रॉयल डिजीज। और गाइस, इसमें यह यक्षलिंग संलग्न बीमारी है, यह यक्षलिंग संलग्न बीमारी है। यह यक्षलिंग संलग्न बीमारी है। गाइस, यक्षलिंग संलग्न मतलब जैसे मान लीजिए XX है, XY है, तो यह Y गुणसूत्र पर नहीं होगा, केवल X पर होगा हीमोफीली। और गाइस, अब यह जो इसमें पांचवा पॉइंट है, यह क्रिस क्रॉस पैटर्न को दिखाता है। गाइस, अब क्रिस का पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए जैसे यह एक संतति है, इसमें अगर जो हीमोफीलिया हुआ है या पुत्र को हुआ है, तो जो दूसरी जनरेशन प्राप्त होगी उसमें पुत्री को होगा, फिर जो तीसरी जनरेशन प्राप्त होगी फिर उसमें पुत्र को होगा, फिर जो चौथी जनरेशन प्राप्त होगी फिर उसमें बेटी या पुत्री को होगा, फिर जो पांचवी जनरेशन प्राप्त होगी उसमें पुत्र का होगा। तो गाइस, यह है क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाता है, इसे क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। तो गाइस, अब जैसे मान लीजिए कोई हीमोफिलिक से ग्रसित पुरुष है और उसका विवाह वाहक नारी से हो रहा है या साधारण नारी से हो रहा है। जैसे मान लीजिए गाइस, या कोई हीमोफिलिक पुरुष है, 22XX है तो सब में कॉमन होता है प्लस XY। मान लीजिए यह हीमोफिलिक मेल है, यह क्या है, हीमोफिलिक नर है। ओ गाइस, जो दूसरा है, आइए हम लोग दूसरे जीन को ले लेते हैं, 22XX प्लस XX, यह है साधारण नारी, साधारण मादा। अब गाइस, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि यह जो हीमोफीलिक नर है, जो हीमोफीलिया डिजीज है, यह इस स्त्री में हो सकता है, तो आइए हम लोग इसे पनेड वर्ग के माध्यम से समझते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग पनेड वर्ग बनाते हैं, आइए हम लोग पनेड वर्ग बना लिए। फिर इसके पश्चात गाइस, अब हम लोग लक्षण को लिखते हैं।
इधर हम लोग नर को लिखते हैं, इधर मादा को लिखते हैं, फिर ये हम लोगों का इसमें निषेचन की क्रिया हो गया। गाइस यहाँ पर पहला हीमोफिलिक नर है एक्स एच वाई, और जो मादा है साधारण है एक्स एक्स। गाइस जब इसका इससे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर होगा एक्स एक्स एच, इसका होगा एक्स एक्स एच, फिर इसका इससे कराएंगे एक्स वाई, फिर इसका इससे कराएंगे एक्स वाई। तो गाइज यहाँ से हमें क्या मतलब मिला, यहाँ से हम लोगों को क्या मिला गाइज, यहाँ पर जो है यह जो मादा है यह वाहक है, यहाँ पर भी जो मादा है यह वाहक है, और जो ये नर है यह जो नर है यह दोनों एकदम साधारण है, इसमें हीमोफिलिक का कोई गुण नहीं है। गाइज देखिए यहाँ पर यह जो 50% जो है यह हीमोफिलिक हीमोफिलिक मादा का लक्षण है, 50% इस पर नेटवर्क से हम लोगों को 50% हीमोफिलिक मादा मिला, फिर 50% हम लोगों को क्या मिला साधारण नर, साधारण नर। गाइस जो हम लोगों को यहाँ पर मिला 50% साधारण नर है और 50% हीमोफिलिक मादा है। फिर आइए हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, पहले यहाँ पर हमने जो है इन्फेक्टेड नर लिया है, अब आइए अब हम लोग इन्फेक्टेड फीमेल लेते हैं, इन्फेक्टेड मादा लेते हैं। गाइस जैसे इन्फेक्टेड मादा है हीमोफिलिक हीमोफिलिक मादा हीमोफिलिक मादा एक्स एच एक्स एच। गाय जो बाय जोड़े होते हैं ये तो कॉमन होते हैं, मान लीजिए एक्स एच एक्स एच, और जो साधारण पुरुष है साधारण पुरुष, जो गाय साधारण पुरुष है उसका सूत्र हो जाएगा बाईस एक्स एक्स प्लस एक्स वाई। अब मान लीजिए कोई हीमोफिलिक स्त्री है, इसका विवाह साधारण पुरुष से हो रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह अगले जनरेशन में इसके क्या लक्षण होंगे, आइए हम लोग पनेड़ वर्ग के माध्यम से समझते हैं। गाय जे हम लोग बना ले पहले पनेड़ वर्ग, ये हो गया हम लोगों का पनेड़ वर्ग। यहाँ पे ले लेते हैं एक्स एच एक्स एच, साधारण पुरुष का एक्स वाई, इसका इसे एक्स एक्स एच एक्स वाई, इसका हो जाएगा एक्स एक्स एच, इसका एक्स एच वाई। गाइज इससे जो हम लोगों को प्रायिकता मिली वह 50% वाहक वाहक मादा का है, और जो 50% है वह इन्फेक्टेड नर है, ग्रसित नर या हीमोफिलिक नर। गाइस इससे हम लोगों को यह मिला, अगर किसी हीमोफिलिक मादा का विवाह साधारण पुरुष से होता है तो 50% जो मान लीजिए दूसरी जनरेशन में जो पुत्री पैदा होगी जो बेटी पैदा होगी वह वाहक होगी, और जो पुत्र पैदा होगा वह इन्फेक्टेड होगा, जो वाहक होगा वह 50% होगा, और जो ग्रसित हीमोफिलिक नर होगा वह होगा 50%। तो गाइस इस प्रकार से हम लोग पनेड़वर बनाकर हीमोफिलिक के लक्षण उसका संचरण के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का हीमोफीलिया। गाइस हीमोफीलिया वह डिजीज होता है जिसमें रक्त अगर हम लोगों को कहीं पर चोट लग जाए तो रक्त का बहना लगातार जारी रहता है, यह इसीलिए हम लोग इसे ब्लीडर डिजीज कहते हैं, इसे रॉयल डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि यह रानी विक्टोरिया की फैमिली में पहले पाया गया, और इसे यक्षलिंग सालग बीमारी कहते हैं, और यह क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब एक पीढ़ी में नर को है तो दूसरे जनरेशन मादा को, फिर इसके बाद तीसरे जनरेशन में नर को। और गाइज अब हम लोग यहाँ पर दो लक्षण लेकर अध्ययन कर लिए, एक में हीमोफिलिक नर था साधारण मादा था, तो इसमें जो हम लोगों का 50% हीमोफिलिक मादा मिली और 50% साधारण नर मिला। और गाइस जो दूसरा स्थिति था उसमें हम लोग हीमोफिलिक मादा को लिए साधारण नर को लिए, तो इसमें जो हम लोगों का मिला 50% वाहक मादा मिली और 50% ग्रसित नर मिला। और गाइस एक बात और, जो हीमोफीलिया बीमारी होती है इसमें वाहक नर कभी नहीं होता,
इन्फेक्टेड होता है, हीमोफिलिक नर होता है लेकिन वाहक नहीं होता, और जो फीमेल होती है वह वाहक भी होती है और इन्फेक्टेड भी होती है, हीमोफिलिक भी होती है। तो गाइज आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।